आज सवेरे महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की एक बस 7:30 बजे इंदौर से चली थी नर्मदा जी के खलघाट पुल पर अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ती हुई नर्मदा जी में गिर गई थी। जैसे ही सूचना मिली तत्काल प्रशासन सक्रिय हुआ, कलेक्टर, एसपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें बचाव के लिए तत्काल रवाना की और दुर्घटना के आधा घंटे के अंदर ही कलेक्टर, एसपी दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए थे। बस तो निकाल ली लेकिन कहते हुए मन पीड़ा से भरा हुआ है कि हम बस में सवार लोगों को बचा नहीं सके। अब तक 13 शव निकाले जा चुके हैं। पहले सूचना थी कि बस में 15-16 लोग सवार थे लेकिन 13 शव निकाले जा चुके हैं और एक संभावना इस बात की है कि इतने ही लोग हो। अभी बचाव कार्य जारी है। मेरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई और उप मुख्यमंत्री से भी चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार हर संभव व्यवस्थाएं करने की कोशिश कर रही है। जो सब मिल गए हैं उनके पार्थिव शरीर को ससम्मान, उनमें से 5 की पहचान हो चुकी है, हम उनके गंतव्य पर भेजेंगे। दुर्घटना की जांच के निर्देश भी मैंने दे दिए हैं और खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री श्री कमल पटेल जी को मैंने निर्देश दिया है कि वो तुरंत घटनास्थल पर रवाना हो। राष्ट्रपति जी के चुनाव का वोट यहां डल रहा था तो वो भी दुर्घटना स्थल पर रवाना हो रहे हैं। संकट की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और अपनी ओर से हर संभव सहयोग करने का प्रयास करेंगे।